नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से एक लैपटॉप को एक होम थिएटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से लैपटॉप को होम थिएटर के साथ कनेक्ट करने के बाद एक कंप्यूटर मॉनिटर या टेलीविजन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं कंप्यूटर मॉनिटर पे लगा के दिखाऊंगा, सेम तरीके से ही आप अपने टेलीविजन पे भी कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में कोई खास फर्क नहीं होता है, दोनों में HDMI इनपुट दिए गए होते हैं। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी दो चीजों की। सबसे पहले तो लैपटॉप कहाँ गया? अरे भैया, मैं तो लैपटॉप तो रखने ही भूल गया। ये लीजिए, रख देता हूँ। तो ये है लैपटॉप। तो ये हाँ भैया, लैपटॉप को खोल लेते हैं। खुल गया लैपटॉप। तो अब हम अपने लैपटॉप को अपने होम थिएटर सिस्टम से दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो स्टीरियो पिन टू RCA की केबल लेकर के और दूसरा HDMI। तो यहाँ पर हमको एक नहीं दो HDMI केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी यदि हमको होम थिएटर से अपने टेलीविज़न को भी कनेक्ट करना है तो। और ये जो स्टीरियो टू RCA पिन है ये सिर्फ ऑडियो के लिए है, तो इससे तो वीडियो आ नहीं सकता। तो मैं शुरुआत में आपको पहले तो स्टीरियो टू RCA से कैसे कनेक्शन करना है वो बताता हूँ, उसके बाद HDMI से कैसे कनेक्शन करना है वो बताता हूँ। और जो डॉल्बी डिजिटल ऑडियो की बात है वो तो मैं बताना भूल ही गया कि डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का आनंद भी हम लैपटॉप से इस होम थिएटर के थ्रू ले सकेंगे। कैसे वो मैं आपको आगे डिटेल में सेटिंग्स जब करूँगा तब बताऊँगा। लैपटॉप में सिर्फ लगा दिया तार और जोड़ दिया उससे नहीं होगा, थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। अभी हम करते हैं स्टीरियो टू RCA का कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस पिन को, स्टीरियो की जो पिन है वो लगाएंगे इस लैपटॉप में। तो इस लैपटॉप में क्या है कि यहाँ पर एक ही पोर्ट दिया हुआ है। तो कई लैपटॉप में ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पे दो पोर्ट दिए होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है और एक पिंक कलर का होता है। तो जो ग्रीन कलर का होता है वहाँ से ऑडियो का आउटपुट आता है और जो पिंक कलर का होता है उसमें माइक्रोफोन का इनपुट जाता है। तो अगर आपके पास उस तरह का लैपटॉप है जिसमें कि ग्रीन और पिंक होल्स दिए गए हों तो वहाँ पर आप ग्रीन वाले में लगाएंगे इस तरीके की पिन को, और ये यहाँ मैं लगा देता हूँ ब्लैक वाले में, ये मैंने लगा दिया। तो अब लगाने के बाद होता क्या है कि लैपटॉप के अंदर ये पूछता है कि भैया क्या तुमने कनेक्ट किया है। तो देखिए ये यहाँ पर पूछने लगा मुझसे कि यहाँ आपने क्या कनेक्ट किया है। तो मैं अपने लैपटॉप को बता देता हूँ कि भैया ये जो है ये हेडफोन ही है। तो अब ये हेडफोन तो है नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ बना रहा हमको, ये हेडफोन नहीं है। लेकिन जो आउटपुट ऑडियो का आएगा तो वो चाहे हेडफोन में जा रहा हो या कहीं पर भी हम होम थिएटर में दे रहे हो उसको हम लैपटॉप में यहीं से लेंगे, क्योंकि वो प्री आउटपुट है। तो ये है हमारे यामाहा HTR2071AVR का पीछे का हिस्सा। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये पिन कहाँ लगानी है वो बताता हूँ। तो देखिए क्योंकि ये पिन जो है वो RCA पिन है तो उसको हम RCA इनपुट में ही देंगे। तो यहाँ पर ये RCA के इनपुट्स दिए हुए हैं, तो या तो हम ऑडियो 4 या तो हम ऑडियो 5, दोनों में से किसी एक में लगा सकते हैं। तो रेड वाला रेड में और वाइट वाला वाइट में, सिंपल है। तो ये जो रेड वाली वायर है इसको हम इस रेड में लगा देते हैं, ये लगा दिया। ऑडियो 5 में मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ये हमें ध्यान रखना है। तो ये ऑडियो 5 में मैंने वाइट वाले को वाइट वाले में लगा दिया, तो ये लग गया। तो अब अपने लैपटॉप को हम ऑन करेंगे और उससे जो ऑडियो आउटपुट आ रहा होगा वो इसकी सेटिंग्स में जाकर के कैसे उसको सेट करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो सेटिंग्स को करने के लिए सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ेगी यामाहा के रिमोट की। तो ये ले लेते हैं हम रिमोट। अब हम इसको कर देते हैं ऑन। ये बाई डिफ़ॉल्ट अभी HDMI 1 पे दिखा रहा है। तो अभी हमको करना होगा इनपुट सेलेक्शन। तो उसके लिए हमको इनपुट का बटन जो रिमोट में दिया गया है वो दबाना है। तो ये इनपुट का ऊपर और नीचे का है, या तो हम यहाँ से भी दबा सकते हैं और या फिर हमारे होम थिएटर सिस्टम में नीचे यहाँ पर इनपुट का बटन दिया गया है इसको भी दबा सकते हैं। तो चलिए दबा देते हैं। अरे फायर टीवी स्टिक देख के मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से फायर टीवी स्टिक को हम अपने होम थिएटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फायर टीवी स्टिक की हो गई बात, अब आगे चलते हैं इनपुट चेंज करके। 4 नहीं चाहिए, हमने लगाया था 5 पे। तो सबसे पहले तो हम इंटरनेट खोल लेते हैं, फिर जाके बजाते हैं कुछ। अरे वाह, अरे ये ऑडियो क्यों नहीं सुनाई दे रहा? अरे भैया स्पीकर के कनेक्शन तो करने ही भूल गए। तो चलिए पहले स्पीकर के कनेक्शन कर देते हैं। तो अब हमारे लैपटॉप को प्ले करके देखते हैं क्या ऑडियो आ रहा है।
तो उसके लिए चल के देखते हैं कोई वेब पेज। ये मेरा नया चैनल है रंगबाज कलाकार, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहीं से एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। बाबा ये लो चाय। क्या दो कौड़ी की चाय बनाई? तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये बिल्कुल काम कर रहा है, हमारा जो ऑडियो है यहाँ से निकल रहा है और इसमें जा रहा है और हम बाकायदा सुन सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये लेफ़्ट राइट और सबवूफर पे है। अगर हमको इस ऑडियो को जो कि लेफ़्ट राइट और सबवूफर में आ रहा है इसको हमें 5.1 में सुनना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो ये प्रोग्राम के बटन्स हैं यहाँ से हम प्रोग्राम के बटन्स को चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट और सब ऊपर का आइकन बन के आ गया है छोटा छोटा। तो ये हो गया जो स्टीरियो पिन से हमने इसका आउटपुट दिया है लैपटॉप से और इसके इनपुट में उसको किस तरह से हम सुन सकते हैं 5.1 में, ये मैंने आपको वहां से बता दिया है। अब हम चलते हैं HDMI से कैसे कनेक्शन करना है। तो मैं पहले आपको HDMI से वो कनेक्शन करके दिखाता हूँ जो कि हमारे ऑडियो के लिए होगा, यानी कि लैपटॉप पे हम कोई भी वीडियो प्ले करेंगे 5.1 डॉल्बी ऑडियो जो प्ले करेंगे वो हमको डॉल्बी ऑडियो सुनाई देगा अपने होम थिएटर सिस्टम पे जो कि हम लैपटॉप पे प्ले करेंगे डॉल्बी ऑडियो। तो सबसे पहले तो हमें लैपटॉप के कनेक्शंस करने होंगे, तो उसके लिए लैपटॉप के साथ जो पावर केबल आती है वो हम यहाँ लगा देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे HDMI केबल, तो वो कहाँ लगेगी, वो इधर तो है नहीं, उसका पोर्ट दूसरी तरफ है, तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ दूसरी तरफ। तो यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं हमको, तो ये HDMI पोर्ट है जिसमें हल्का नीचे से कर्व दिया हुआ है और वही हमारी जो केबल है उसमें जिस तरीके से ये कर्व दिया हुआ है हल्का सा नीचे की तरफ, तो इसको अब हम इसमें लगा देंगे। तो ये हमने HDMI केबल को इसमें लगा दिया, तो ये लग गई। अब इसके बाद जो इस HDMI केबल का जो दूसरा सिरा है यानी कि ये, अब इस सिरे को लगाएंगे हम अपने होम थिएटर सिस्टम में जो कि है ये। तो उसके लिए हमें अपने होम थिएटर के पीछे दिए गए इन HDMI इनपुट पोर्ट्स में से किसी भी एक इनपुट पोर्ट में अपनी HDMI केबल को लगा देना होगा। तो मैं इसको लगा देता हूं HDMI 4 में। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने HDMI 4 पे लैपटॉप को कनेक्ट किया है, तो अब हम करते हैं इसकी सेटिंग्स। लेकिन सेटिंग्स करने से पहले उन लोगों के लिए एक जरूरी बात, जिन लोगों के पास लैपटॉप में HDMI आउटपुट नहीं दिया गया होता है, तो जिन लोगों के पास एप्पल का लैपटॉप है वो लोग इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ से मिनी डिस्प्ले पोर्ट होता है और दूसरी तरफ से HDMI। तो इसी तरीके के कन्वर्टर HDMI के लिए आते हैं हर एक तरह के लैपटॉप के लिए, तो आप लोग उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो और फिर बस अपने लैपटॉप में ये लगा देंगे और फिर HDMI केबल को यहाँ पर लगाइए और इसके बाद फिर होम थिएटर में लगा दीजिए। तो इस तरह से फिर चाहे वो एप्पल का कंप्यूटर हो या विंडोज़ का कोई दूसरा कंप्यूटर हो जिसमें कि HDMI आउटपुट ना दिया गया हो, तो इस तरीके के कन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है, आप वो लेकर के कनेक्ट कर सकते हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ये लाइट इरिटेट कर रही है क्या? ये शैडो इसकी आ रही है। मैंने वहाँ पर एक लाइट लगाई हुई है ये सोच करके लगाई थी कि बड़ा ये बढ़िया सा लुक वुक हो जाएगा, बट ये जो स्पीकर यहाँ रखा है इसकी वजह से मेरे चेहरे पे इसकी शेडो आने लग गई, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी देखो जैसे नीचे किया मैंने, तो मैंने देखा कि अरे इधर से तो बढ़िया एकदम सिनेमेटिक इफेक्ट आने लगा था, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। टेक्निकल वीडियो है, यहाँ पर लाइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए ये आप लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। बाकी वीडियो मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। इसे वापस लगा देते हैं। तो जैसा कि अब हमने यहाँ पर वायरिंग कर दी है अपने लैपटॉप की अपने AV रिसीवर के साथ यानी कि होम थिएटर सिस्टम के साथ, तो अभी हम जाएंगे वापस से रिमोट के इनपुट पे। ये इनपुट के जो बटन्स हैं यहाँ पर हम दबाएंगे HDMI 4। HDMI 4 पे हमने कनेक्ट किया था, तो वो हम HDMI 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं इनपुट में। अब इसके बाद हम यहां से चला के देखते हैं ऑडियो कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले तो जाएंगे
मैं अपने ही चैनल में से कोई वीडियो प्ले करता हूँ, क्या चलाऊँ, चलो ये चला देता हूँ। बिल्कुल ऑडियो आ रहा है, चेक कर लेते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो अभी कैसा है कि हम इसको यूट्यूब से प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको सिर्फ लेफ़्ट राइट चैनल ही मिलेगा और सबवूफर बाय डिफ़ॉल्ट वो कन्वर्ट कर रहा है हमारा यामाहा सिस्टम जो है। तो हमको वापस से अगर जो भी चेंजेस करने हैं, अगर आपका 2.1 ऑडियो है उसके लिए, तो वो वही सेम वापस से प्रोसेस यहीं अपना, ये प्रोग्राम के बटन्स हैं जो इनको चेंज करेंगे तो वो चेंज करके ऑडियो आपको सुना देगा। जो भी मोड्स हैं हमारे यहाँ पे, 17 मोड्स आते हैं इसमें। तो इस तरह से हम 2 चैनल से 5.1 चैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी सेटिंग हमको पसंद हो, जो भी मोड हमको पसंद हो, वो हम सेलेक्ट करके अपना सुन सकते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और 5.1 डॉल्बी ऑडियो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक डॉल्बी कंटेंट रखा हुआ है तो वो हम प्ले करेंगे, देखते हैं क्या वो इसमें आता है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपने रिमोट से इसको स्ट्रेट पे ले जाते हैं। तो ये स्ट्रेट पे आ गया। अब यहाँ से हम कोई भी डॉल्बी कंटेंट को प्ले करते हैं। बाकायदा वहाँ पर हम देख सकते हैं 5.1 साउंड आ गई है। अभी क्या है कि इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसके सेटिंग्स के अंदर जाकर के डॉल्बी ऑन कर दिया था। तो डॉल्बी का लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो डॉल्बी का लाइसेंस अगर हमारे पास नहीं है तो वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि शो करे। कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो शो भी करेगा, कुछ कंटेंट नहीं करेगा। तो डॉल्बी का लाइसेंस लेना ज़रूरी है और DTS का भी। तो डॉल्बी का और लाइसेंस मैंने ले लिया, DTS कल मैं लेके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लाइसेंस ले सकते हैं अपने विंडोज़ में। तो वो सेटिंग के लिए हमको जाना होगा विंडोज़ में, सर्च करेंगे सेटिंग्स, सिस्टम में जाएंगे साउंड में। यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है कि ये हमारा HDR2071 से कनेक्टेड है क्योंकि हमने ये HDMI के साथ लगाया हुआ है। मोर साउंड सेटिंग्स में जा कर के पहले तो हम ये चेक कर लेंगे ये आउटपुट हमारा बाकायदा सेलेक्टेड है। फिर हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको ये 5.1 के साथ कॉन्फ़िगर करना है तो ये 5.1 के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये हम इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रियर सबवूफर सेंटर सारे हमारे ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट, ये सब जितने भी हमारे फ्रंट लेफ़्ट फुल रेंज हैं, सराउंड स्पीकर्स फुल रेंज स्पीकर्स हैं, हाँ ऑब्वियसली फुल रेंज स्पीकर हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, टेस्ट भी कर सकते हैं राइट। ये सबवूफर, सराउंड बैक, सराउंड राइट, तो ये क्योंकि सारे स्पीकर्स एक साथ रखे हैं तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट ये हर एक चैनल में अलग 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 इसने साउंड प्ले किया है। अभी हमने यहाँ 5.1 कॉन्फ़िगर किया इसलिए ये यहाँ पे 5.1 शो कर रहा है, क्योंकि हमारा ये होम थिएटर सिस्टम 5.1 है। यदि आपके पास 7.1 हो तो आप यहाँ से 7.1 कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और जब आप ये डॉल्बी एटमस ले लोगे तो आपको जो भी डॉल्बी एटमस कंटेंट आप इस लैपटॉप में प्ले करोगे वो उसको डिकोड करेगा 5.1 में और यहाँ पे सुनाएगा। तो अभी यहाँ आप पहले देख रहे थे कि 2.1 का शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट सराउंड लेफ्ट सबवूफर इस तरीके से पूरा शो कर रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त स्ट्रेट मोड पे है, ये स्ट्रेट मोड पे। तो स्ट्रेट मोड पे डालने के बाद वो 2.1 शो करना चाहिए था, बट क्योंकि अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया 5.1 तो ये 5.1 बराबर शो कर रहा है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि डॉल्बी का मैंने लाइसेंस ऑलरेडी ले लिया जो इससे ये यहाँ दिख रहा है, और अगर अब हमको दूसरा चाहिए DTS का, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो DTS में डिकोड होते हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना होगा, गेट मोर ऐप्स पे जाना होगा। तो यहाँ पर वो शो करता है कि आपको डॉल्बी का लेना है कि DTS का लेना है कि क्या लेना है, तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। तो DTS को मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ किस तरह से इंस्टॉलेशन मैंने किया। तो DTS पे हम गए और DTS को भी हम गेट दबा देंगे और ये हमारे मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी एक लाइसेंस शो कर रहा था जो कि हमारा डॉल्बी का था, अब दूसरा जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमको दोनों लाइसेंसेज वहाँ पे शो करने लगेगा। ये हो गया इंस्टॉल, तो अब हम इसको यहाँ से ओपन दबा करके जा सकते हैं और इसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको हर तरीके का जो DTS से रिलेटेड कंटेंट है वो भी हम देख सकते हैं और उसके बारे में डिटेलिंग और वो सब चीज़ें यहाँ पर हमको मिल जाती हैं समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा DTS का इंस्टॉलेशन लाइसेंस का। देखिए
अभी यहां पर दोनों लाइसेंसेस शो करने लगा। वापस से अपना कंटेंट प्ले करते हैं कोई भी। अभी आपने देखा वहां पर डॉल्बी का कंटेंट आ गया, लेफ्ट सेंटर राइट सबवूफर सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट। तो ये हो गई हमारी सेटिंग्स पूरी तरह से कि किस तरह से हम अपने लैपटॉप से होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो के लिए खास तौर पे। अब जो मैंने कहा था कि वीडियो के लिए, कि वीडियो भी अगर हमें देखना है टेलीविज़न पे या प्रोजेक्टर पे या कंप्यूटर मॉनिटर पे, तो वो कैसे करेंगे? तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेटअप मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये लगा हुआ है मॉनिटर, नीचे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, पीछे AVR रखा है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है लैपटॉप। इस तरह से स्पीकर्स को बिल्कुल भी ना लगाएं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है स्पीकर्स को लगाने का। स्पीकर्स को लगाया कैसे जाता है एक 5.1 होम थिएटर सिस्टम में, उसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिसका कि लिंक यहाँ ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये वो केबल है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो लैपटॉप में लगाई थी, और ये केबल अभी यहाँ से निकल के जा रही है और यहाँ पे 4 नंबर में जो हमने लगाई थी वो लगी हुई है। अब हमें करना क्या है, जो ये मॉनिटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस मॉनिटर में यहाँ पे हमको जो इसका कनेक्शन देना है वो देंगे। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी एक और केबल की। तो ये एक और केबल है मेरे पास HDMI की, इसको हम लगाएंगे इसके इनपुट में। अब ये जो इसका दूसरा है सिरा, ये मैं लगा देता हूँ आउटपुट पे केबल। तो अब हम करेंगे AVR को ऑन। तो ये लिया रिमोट हमने और ये कर दिया ऑन। अब ये यहां पे डिटेक्ट कर लिया इसने डिस्प्ले। तो अब हम लैपटॉप से डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके हम दबाएंगे डिस्प्ले सेटिंग्स। फिर डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद हम देख सकते हैं कि यहां पर डिस्प्ले डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि जो भी हमें लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही हमें अपने मॉनिटर पे भी दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें बदल के करना होगा एक्सटेंड दीज डिस्प्लेज या फिर शो ओनली ऑन टू। मैं यहां इसको एक्सटेंड दीज डिस्प्लेज कर रहा हूं। तो अब ऐसा करने से हमारे TV प्रोजेक्टर या मॉनिटर पे बिल्कुल सही रिजोल्यूशन दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का हल्का फ्लिकरिंग जैसा बार बार ब्लैक हो जा रहा है डिस्प्ले, या कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो वो ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 2, 3, 4 जितने भी HDMI इनपुट्स हैं वो अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए लैपटॉप से लगाना चाहें तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगाना है मॉनिटर भी साथ में, तो लैपटॉप से जो HDMI का आउटपुट आ रहा है वो हम देंगे DVD वाले इनपुट में अपने AVR के। तो अब हम इसको निकालेंगे यहाँ से 4 नंबर से और इसको लगा देंगे यहाँ 1 नंबर में। ये लगा दिया मैंने 1 नंबर में। तो अब हमने क्योंकि 1 नंबर पे लगा दिया है तो हमको इसको 1 नंबर पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमको कोई फ्लिकरिंग इशू नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया वीडियो दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, कोई फ्लिकरिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से एक प्रॉपर सेटअप हो सकता है लैपटॉप का AVR से और AVR का कंप्यूटर मॉनिटर टेलीविजन या प्रोजेक्टर के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम को हम होम थिएटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप का कनेक्शन और कंप्यूटर का कनेक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है जो कि समझ लेना बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो दोनों अलग अलग वीडियोस बनाऊं। तो वो वीडियो बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको आपके नोटिफिकेशन में दिखाई दें और आप उन्हें देख सकें। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।